आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जे यानी कि जूनियर इंजीनियर 2016 और 2018 की भर्ती के लिए। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कितने फार्म भरे गए, कितना कंपटीशन है और इस समय अगर एग्जाम हुआ तो कितना कंपटीशन हो सकता है। अब आप हमारी वीडियो को देख करके रियल कैश भी कमा सकते हैं, उसके लिए आई बटन वाली वीडियो को देखें या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। कुल मिलाकर ये कहना है कि आपको एक सीट पर कितने लोगों का कंपटीशन देखने को मिलेगा, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं 2016 की भर्ती से। 2016 में जो भर्ती आई थी इसका नाम था सम्मिलित अवर अभियंता एवं वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2016। इस भर्ती में जो कुल वैकेंसी आई थी इसकी संख्या थी 489, यानी कि 489 पदों पर भर्ती थी। यहाँ पे कितने आवेदक है, ये चूंकि यूपी ट्रिपल एससी का डेटा है इसलिए आपको इस पे शक करना ठीक नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये डेटा हम गलत बता रहे हैं तो आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी इसके बारे में कोई अपडेट आए तो आप उस अपडेट से मिलान करिए। इसमें जो फार्म भरे गए थे इनकी संख्या थी 43,167, केवल इतने ही फार्म भरे गए थे। तो ये वैकेंसी है 2016 का, फार्म भरे गए लगभग 43,167। अगर आप कंपटीशन पे गौर करेंगे तो कंपटीशन के लिए देखिए हम कैलकुलेटर यहाँ ओपन कर देते हैं और यहाँ पे 43,167 भागे 489, तो कंपटीशन हो जाएगा लगभग 88 का, मतलब कि एक सीट पर 88 लोगों का कंपटीशन है। लेकिन ये तो उन लोगों का कंपटीशन है जब ये फार्म भरा गया। अब जब लगभग 5 साल हो चुके हैं और अभी भी इसका एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहा है, तो 5 सालों बाद इसमें क्या स्थिति होगी। देखिए एक सीधा सीधा रूल है कि अगर कोई भी एग्जाम 3 महीने के अंदर होता है तो वहाँ पे आपको करीब 80-85% कैंडिडेट उपस्थित मिलते हैं। अगर यही परीक्षा 6 महीने के अंदर होती है, अंदर कहने का ये मतलब है कि विज्ञापन के, जैसे विज्ञापन आया, फार्म भरना शुरू हुआ और उसके 3 महीने के अंदर कोई पेपर होता है, तो अगर ये परीक्षा 6 महीने के अंदर होती है तो ये आपको 72-78 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर यही परीक्षा 1 साल के अंदर अंदर होती है तो ये आपको 65-68 के आसपास उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। गलती से अगर यही परीक्षा 2 साल बाद होती है तो ये करीब 60 के आसपास आ जाता है, और अगर ये 3 साल हो तो ये 55-60% उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो परीक्षा है 2016 की, इसमें तो लगभग 5 साल हो चुके हैं और हो सकता है कि 2022 से पहले पहले ये एग्जाम ना हो, तो उस समय इसमें उपस्थिति कितनी हो सकती है। देखिए ये आप इसको पीईटी से या फिर किसी भी एग्जाम से मिला सकते हैं, अधिकतर एग्जामों में ये जो डेटा है ये 100% सही सिद्ध होगा। यहाँ पे अगर आप पीईटी को देखेंगे तो पीईटी लगभग 3 महीने में हुआ और यहाँ पे लगभग 83% लोगों ने परीक्षा दिया था। तो उसी तरह यहाँ पे जब ये भर्ती 2016 की है तो यहाँ पे कुल मिला करके लगभग आप 5 साल हो चुके हैं, 1 साल और लग सकता है, आपको करीब 45-48% ही लोग परीक्षा देते हुए दिखाई देंगे। इसके कई सारे कारण हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कुछ लोग पढ़ाई से बहुत दूर जा चुके हैं। तो यहाँ पे 45% से 48% तक आपको उपस्थिति देखने को मिलेगी। अब हम अगर कैलकुलेटर पर जाते हैं तो 43,167, यहाँ पे देखिए 43,167 का अगर आप निकालेंगे 45% तो कितना होगा, ये होगा लगभग 19,425, यानी कि आप मान लीजिए कि लगभग 20,000 लोग इसका पेपर देंगे, लगभग 20,000 लोग। चूंकि सीटें कितनी है तो सीटें हैं 489, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका कंपटीशन आएगा ये करीब 40 होगा। यानी कि 2016 में जो जेई भर्ती आई थी, अगर इसका एग्जाम अगले साल यानी कि 2022 तक भी होता है तो इसमें एक सीट के लिए आपको 40 लोगों का कंपटीशन देखने को मिलेगा। ये सबसे मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कंपटीशन आपको किसी भी हालत में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के ये कमेंट आएंगे कि नहीं, यहाँ पे 100% का कंपटीशन होगा, 80% लोग परीक्षा देंगे, तो आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। जब भी इसका एग्जाम होगा, अगले दिन डेटा जारी किया जाता है कि कितने लोग परीक्षा दिए, उससे आप मिलान करके हमें बता सकते हैं। ये रहा 2016, अब बात करते हैं 2018 की।
हालांकि 2018 के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि यह एक कंबाइंड वीडियो है तो यहाँ पर भी हम बता देंगे। यहाँ पे जो 2018 की भर्ती आई थी, इसका नाम था सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन समान चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2018। 2018 में जो जेई की भर्ती आई यूपी ट्रिपल एससी की, यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ गई थी और ये था 1477। यहाँ पे जो आवेदन हुए उनकी संख्या थी 119,376। इसको आसानी के लिए आप 120,000 भी कह सकते हैं, यानी कि इतने रियल फॉर्म भरे गए थे यूपी ट्रिपल एससी में। चूंकि ये भर्ती उसी तरह लगभग 3 साल हो चुका है और बहुत कम ही उम्मीद है कि इस साल ये पेपर हो पाए, तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि 3 साल बाद लगभग आपको 55-60% ही अभ्यर्थी उपस्थित दिखेंगे, तो इसका भी अगर आप मैक्सिमम लेते हैं तो 60% निकालिए 120,000 का, ये हो गया 120,000 और इसका 60%, ये हो गया लगभग 72,000। यानी कि ये परीक्षा अगर अब होती है तो लगभग 72,000 लोग ही इस परीक्षा में भाग लेंगे। चूंकि यहाँ पे पदों की संख्या है 1477, तो 72,000 में 1477 का भाग देके देखते हैं, ये हो गया लगभग 48 का, यानी कि 48 या फिर 49, यानी कि यहाँ पर एक सीट के लिए जो कंपटीशन होगा ये 48 का होगा। अब देखिए, आपने जो 2016 वाली का देखा है वहाँ पे ये 40 के आसपास है, लेकिन 2018 वाली में ये 48 के आसपास है, ये मैक्सिमम है। अगर इससे ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आप हमें कमेंट करके बाद में बता सकते हैं, इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। 2018 की भर्ती में 48 से 50 लोग ही बैठेंगे एक सीट के लिए, वहीं पर 2016 की भर्ती में आपको केवल 38 से 40 लोग ही बैठते दिखाई देंगे। तो यही है इसका एक डेटा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भविष्य में इसी तरह की वीडियोज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।